ये देखो 24 फिंदे मैंने उठा लिए हैं। अब 24 फिंदे उठाने के बाद ये देखें दो सलाई निकाल ली है, एक इधर से एक उधर से। तो मैं निकाल लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। अब फिर से देखें ये दो सलाई निकाल ली है। अब उल्टी तरफ से हम फिर से एक सलाई को और निकाल लेंगे, सीधी साइड आएंगे, फिर मैं आपको आगे की डिजाइन बताती हूँ। इसमें भी मैं डिजाइन बनाऊंगी बनाऊंगी किस तरह से, आप वो देखेंगी। अब देखें डिजाइन स्टार्ट होगी तो 12 फिंदे हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इधर देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 3 फिंदे बचे हुए हैं, एक फिंदा कम है, जैसे 23 फिंदे हैं मेरे पास, तो यहाँ पे 3 का 1 करना है इस तरह से। सीधी साइड से 3 का 1 कर दिया, अब पूरी रो हमने इसी तरीके से निकाल ली। अब इधर से देखें साइड से, अब यहां पे देखें यहां पे फिर से हम इधर से 2 का 1 करेंगे। अब 3 का 1 नहीं करना है, सिर्फ एक बार हमें 3 का 1 करना है, फिर उसके बाद हमने 2 का 1 कर दिया है। इधर अभी फिंदे नहीं बढ़ाने हैं क्योंकि हमें फिंदे यहाँ पे थोड़े से कम करने हैं। अब देखें इधर से भी हमें 2 का 1 करना है, ये देखें। आप ध्यान से देखते जाइएगा ताकि ये बहुत सुंदर लगता है बनने पे। जब पूरा कंप्लीट होगा तो आप देखेंगी तो बहुत सुंदर लगेगा, और इसकी फिटिंग वगैरह भी बहुत सुंदर आती है। इधर से भी हमने 2 का 1 कर दिया, तो फिंदे मैं कम कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ इस साइड हमने कितने फिंदे रखने हैं, इस साइड कितने फिंदे रखने हैं। अब देखें यहाँ पे 1, 2, 3, 4 8 फिंदे इधर हैं, 8 फिंदे मेरे पास इधर हैं। अब ये 8 फिंदे इसी तरह से चलते जाएंगे, कम भी फिंदे करेंगे तो फिंदे एक फिंदे को बढ़ाएंगे तो एक फिंदे को कम करेंगे। जिस तरह से हमने नीचे बनाया है उसी तरह से आपको ऊपर भी बनाना है। ये देखें इस तरह से 2 का 1 कर दिया। अब देखें फिंदे को हम कहाँ बढ़ाएंगे, ये देखें हम 7वें फिंदे पे बढ़ाएंगे। जिस तरह से हमने नीचे बनाया है 9वें फिंदे पे हमने फिंदे को बढ़ाया है, यहाँ पे 7वें फिंदे पे। अब देखें इधर से हम बुन लेंगे, ये देखें अब यहाँ पे भी हमने 2 का 1, दोनों तरफ से सेम तरीका है बनाने का, इधर से भी और उधर से भी। अब यहाँ पे देखो इस तरह से फिंदे को बढ़ा लेना है, अब देखें यहाँ पे 12वीं सिलाई निकाल रही हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये देखें सीधी साइड है। ये एक फिंदे को कम कर दिया,
यहाँ पे एक फंदे को बढ़ा लेना है। अब देखें यहाँ पे हम कलर को चेंज करेंगे, इसी तरह से आपको नीचे भी कलर चेंज इसी तरह से कर लेना है। ये देखें ये कलर को चेंज कर लिया, दो का एक कर दिया, साइड पे एक के दो करने हैं। ये देखो इसी तरह से हम 12 12 सलाइयां निकालते जाएंगे और डिजाइन को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। अब फिंदों को इसी तरह से कम करना है, इसी तरह से बढ़ाते जाना है। तो जितनी पट्टी जा रही है, ये 4 अंगूर की पट्टी जा रही है, तो 4 अंगूर की पट्टी इसी तरह से चलेगी। तो मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। तो पट्टियाँ मैं डाल लेती हूँ और बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने बना लिया इस तरह से, तो इसी तरह से आपको बनाना है। ये देखें मुड्डों की तरफ हमें कुछ नहीं करना है, अगर आप चाहें तो मुड्डे बना सकती हैं लेकिन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डिजाइनर ब्लाउज है इसलिए मैं इस तरह से बनाया है। अब इसी तरह से हमने इधर भी बना लिया है, ये देखो। तो दो पल्ले इसी तरह से बनेंगे, जिस तरह से हमने ये पल्ला बनाया है इसी तरह से हम दूसरा पल्ला बनाएंगे। तो मैं पूरा तैयार करके आपको दिखा दूँ। हमने बना लिया है इसको, ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखें इसी तरह से हमने ये दूसरा पल्ला बनाया है, तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं इनको सिलना बताऊंगी। तो सिलेंगे किस तरह से, ये देखें इसको हाफ हाफ बनाना है। ये देखें 1 2 3, तो 3 लाइनें मैंने निकाली हैं, 6 की जगह पे 3 3 लाइनें निकालनी क्योंकि यहाँ पे डबल हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे हम पक्का कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए इसी तरह से हमें ये भी पल्ला सिलना है इधर का, इस तरह से। तो मैं दोनों को सिल लेती हूँ फिर आपको दिखा। ये देखो दोनों हमने सिल दिए हैं। अब देखो कैसा सिलना है। अब इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक ये मिलाते हुए कलर सिलना है, नहीं तो इधर उधर हो जाएंगे। तो ये देखें ब्लैक है तो ब्लैक से सिल लीजिएगा, येलो है तो येलो कलर से सिलेंगे। ये देखें इसी तरह से सिलना है। तो मैं सिल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैंने सिल लिया है, इसको कंप्लीट कर लिया है। इसकी फिटिंग बहुत सुंदर आई हुई है, चाहे आप फ्रंट साइड से पहने चाहे बैक साइड से पहने, ये दोनों तरफ पहन सकती हैं।